Hello, hi, namaste, and welcome to my YouTube channel. This is me Shagun, and I am back again with a new video. और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो हेल्दी रेसिपीज जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी भी है. सो बेसिकली वी विल मेक पालक पात्रा एंड पालक पनीर सैंडविच टुडे. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. नाउ पहली रेसिपी शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू सम बेनिफिट्स ऑफ स्पिनच. इट कंसिस्ट हाई अमाउंट ऑफ आयरन एंड ऑल्सो हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन के, मैग्नीशियम एंड वेरियस एंटी ऑक्सीडेंट्स. डू यू नो सबसे ज़्यादा स्पिनच नॉर्दर्न यूरोप एंड US में ग्रो होता है बिकॉज इसे ना कूल वेदर चाहिए होता है फॉर इट्स ग्रोथ. नाउ बाकी के बेनिफिट्स आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग पालक पात्रा की रेसिपी देख लो. तो पालक पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और उसमें डालना है हमें थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके वो डालेंगे. देन इसमें पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेना है, थिक बैटर बनाना है. देन ना हम एक प्लेट लेंगे और हमें चाहिए पालक के पत्ते. इस टाइप से पालक के पत्ते को ना ऐसे असेंबल कर देना है प्लेट में. एंड आप लोग ट्राई करना कि जो पालक के पत्ते हैं ना वो ज़्यादा बड़े नहीं हो, वो छोटे ही होने चाहिए, तभी आराम से बन पाएगा ये, ठीक है. तो करना क्या है, फिर ना हमें अपना बेसन वाला मिक्सचर लेना है और इसके ऊपर डाल देना है. इसे अच्छे से हाथ से स्प्रेड करके पूरे ऐसे पत्तों पर स्प्रेड कर देना है. देन हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है, एक और लेयर बनाओ पालक पत्ते की एंड फिर से इस पर बेसन वाला मिक्सचर लगा दो हाथ से अच्छे से. उसके बाद फिर से अगर सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो तो एक बार फिर से कर दो. और बस फिर इसे ना हमें इस टाइप से ऐसे फोल्ड कर देना है. देन इसके ऊपर भी हम अपना बचा हुआ बेसन का मिक्सचर अच्छे से लगा देंगे, पूरा इसे कवर कर देंगे. उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक स्टील की प्लेट ली है और उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को ग्रीस कर दिया है ताकि हमारा जो पात्रा है वो उस पर स्टिक ना हो. देन इसे उठाकर इसमें रखा और कढ़ाई में स्टैंड लगाकर इसे हमें स्टीम कर लेना है फॉर अराउंड 20 to 25 minutes. इसे कवर कर दो. एंड आफ्टर 20 मिनट्स एक नाइफ डालकर चेक कर लो और ये अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुके हैं. फिर इसे निकाल कर हमें ना इसे इस टाइप से पीसेस में कट कर लेना है नाइफ की हेल्प से. देन हमें इसे करना है शैलो फ्राई. तो करना क्या है, आपको लेना है एक पैन, उसमें डालना है एक चम्मच ऑयल. देन इसमें अपने सारे पात्रे को इस टाइप से ऐड कर देना है और इसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है. जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे सम वाइट सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सूखा नारियल. और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व कर दो और ये हो गए हमारे पालक पात्रा बिल्कुल रेडी. अगर आपको इसमें और टेस्ट चाहिए ना तो आप इसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है. लेकिन मुझे ना इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाना था इसीलिए मैंने इसे बस 1 tablespoon ऑयल में शैलो फ्राई किया है. लेकिन आप चाहे इसे शैलो फ्राई करो या फिर डीप फ्राई, दोनों में ही टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो ये थी पालक पात्रा की रेसिपी. आप लोगों ने कभी इसे घर पर ट्राई किया है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड अब हम लोग दूसरी रेसिपी शुरू करने से पहले बाकी के बेनिफिट्स जान लेते हैं. Spinach is very good for your health and it also helps to boost your immunity. It keeps your eyes healthy and it is very good for your heart क्योंकि इसमें potassium होता है which reduces the risk of stroke and heart disease. क्या आपको पता है स्पिनच में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच हेल्प्स टू डिक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. इट रिड्यूसेस दी रिस्क ऑफ एनीमिया क्योंकि इसमें आयरन होता है एंड अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में आयरन मिलेगा तो आपको हीमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं होगी. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर योर बोन्स क्योंकि इसमें वाइटामिन के होता है विच रिड्यूसेस दी रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स. तो ये थे स्पिनच के कुछ बेनिफिट्स. नाउ अब आप लोग पालक पनीर सैंडविच की रेसिपी देखो.
तो पालक पनीर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, देन इसमें एक कटा हुआ हरा मिर्चा डाला है, देन इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालना है। इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें हमें ऐड करना है कटे हुए पालक, ठीक है, और इसमें नमक डालो, देन इसे हमें पका लेना है फॉर 7 to 8 मिनट्स, जब तक आपके पालक पक नहीं जाते। जब हमारे पालक अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। आप पनीर को पीसेस में कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन ना मैंने यहाँ पर इसे हाथ से क्रम्बल करके वैसे डाला है। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद गैस को कर दो बंद, एंड ये हो गया हमारा सैंडविच का फिलिंग रेडी। अब क्या करना है, हमें लेना है 2 ब्रेड और उसे बहुत थोड़ा सा ऑयल डालकर तवे पे सेक सकते हो। अगर आपको सेकना है तो सेको, वरना आप ऐसे भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी बनता है, ठीक है। तो इसे सेकने के बाद बस अपना फिलिंग लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। मेरे पास ना यहाँ पर थोड़ा सा बटर भी था तो मैंने सोचा बटर लगा ही देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बटर लगा दिया है, देन अपना फिलिंग डाला, इसे क्लोज करा और ये हो गया हमारा पालक पनीर सैंडविच बिल्कुल तैयार। ट्रस्ट मी गाइस, इस एक सैंडविच को खाने के बाद ना आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू गाइस। साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज टमाटर और पनीर रखकर गार्निश कर दिया है और देखो ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवेज, आप लोग अपना पालक पनीर सैंडविच कैसे बनाते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आप लोग इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हो ये भी बताना। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिन्हें पालक बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड या अगर यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।